राइजन का पैनल है 550 वाट है, ए ग्रेड टियर 1 का है। ग्रेड में तो इतने खास फर्क नहीं आएगा, आएगा भी तो 2-3 रुपए का नीचे का फर्क आएगा, इतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो अच्छा। लोगों को इससे कोई मैटर नहीं करता, अगर एंड यूजर अपने पास अपने सिस्टम इंस्टॉल कर रहा है तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अभी लगा लेगा तो उसके अभी से जो यूनिट्स कम होना शुरू हो जाएंगे, उसके बिल में कमी आना शुरू हो जाएगी, तो उसको वहाँ फायदा हो जाएगा। जिनको पी टाइप है ये भी 10 से 12 साल की वारंटी के साथ है और अभी ये चल रहा है। इतना खास नहीं फर्क आया, रेटों में 3-4 रुपए का फर्क आया, जो कि बनते हैं 2-2.5 हजार रुपए पर पैनल पे बनते हैं, अगर 10 पैनल में लगा दो तो 25 हजार रुपए का फर्क पड़ता है। 2 वाट का है, 5 साल वारंटी के साथ है, ए ग्रेड का क्वालिटी वाला है। 10 किलो वाट का इसका प्राइस होती है वो अभी जो चल रही है 2,55,000 रुपीज पर ली है, 15 किलो वाट की 3 लाख रुपए चल रही है, और फिर इसके अंदर 20 किलो वाट है वो आपको पड़ेगा तकरीबन 4 लाख रुपए का। बात अगर आप यहाँ से पकड़ो वहाँ से पकड़ो थोड़ा सा लॉजिकल सोचेंगे लोग तो उनको समझ में आएगा कि यार हमारा प्रॉफिट किस तरफ से आ रहा है। उनको दिखा दें 3 किलो वाट है क्राउन का, ये सबसे बेस्ट इन्वर्टर भी चल रहा है, लीज प्राइस के अंदर है, ये तकरीबन 85,000 रुपीज कॉस्ट करता है, ये मिल जाएगा आपको 4 ईयर वारंटी के साथ, इसके अंदर 1 साल पार्ट्स की वारंटी है और 3 साल जो है। हाँ अलबत्त अगर होता 10-15 रुपए का फर्क तो मैं कहता कि यार अब आप आवाम तो अभी कह रही है कि भाई बायकॉट करो क्योंकि अभी हमें नहीं खरीदना है। और बहुत सारी चीज़ें काउंट होती हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि खाली डॉलर इस पर अफेक्ट करता है, कस्टम शूज इस पर अफेक्ट करते हैं, चाइना का बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर, ये चाइना की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक है उदय का शुक्र, आप सुनाए सर? अल्लाह का शुक्र है उदय भाई, आज आपके पास आने का मकसद ये है कि पिछले 2-3 महीनों से मुसलसल सोलर पैनल के प्राइस नीचे आ रहे थे और लोगों ने बड़े खुशी का इत्मीनान का साथ लिया था, यानी कि बड़े लोग खुश हो गए थे इस बात से कि लोग प्लानिंग कर रहे थे कि अब रेट नीचे आ गए हैं और सोलर पैनल इंस्टॉल करवाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल काफ़ी 2-4 दिनों से तो ये हो रहा है कि रेट जो है स्टेबल नहीं है और रेट मुसलसल बढ़ रहे हैं, तो सर इसकी कोई वजह खास तो बता दीजिए। पहले तो बात ये करूँगा कि यार लोगों को इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1-2 रुपए से बढ़ने से कोई इतना कोई उनको फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वो नहीं लगाते तो वो तो बात वही आ जाएगी कि यार जब वो नहीं लगाएंगे तो उनका बिल तो बढ़ता ही आएगा, तो उनको वहाँ से प्रॉफिट जो है वो खत्म हो जाएगा, वहाँ से लॉस होगा, तो लगा लेंगे तो उनको इतना खास फर्क नहीं आता। अलबत्त रेट बढ़ने का ये वजह है कि डिमांड अच्छी खासी है, डिमांड सप्लाई का रूल है, डिमांड अच्छी खासी, सप्लाई कम है और चाइना फरवरी में बंद होता है, तो इस वजह से जो है अभी जो है लास्ट जो कंटेनर्स आ रहे हैं तो उस वजह से लोगों ने अपने पास शॉर्ट करने के लिए डिमांड को जो स्टॉक को होल्ड कर लिया है, ये कहेंगे ज़खीराअंदोज़ी कर ली है सीधे सीधे, ऐसा भी कह सकते हैं। और दूसरा ये कि पीछे से जो है थोड़े बहुत कस्टम के भी इश्यूज हैं जिनकी वजह से जो है माल थोड़ा सा स्लो आ रहा है। हाँ अलबत्त आने वाला है माल 20-25 को आने वाला है, तो तब भी मेरे हिसाब से कोई रेट में तो इतने खास फर्क नहीं आएगा, आएगा भी तो 2-3 रुपए का नीचे का फर्क आएगा, इतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा। अच्छा। लोगों को इससे कोई मैटर नहीं करता, अगर एंड यूजर अपने पास अपने सिस्टम इंस्टॉल कर रहा है तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर वो अभी लगा लेगा तो उसके अभी से जो यूनिट्स कम होना शुरू हो जाएंगे, उसके बिल में कमी आना शुरू हो जाएगी, तो उसको वहाँ फायदा हो जाएगा, अगर वो लेट करेगा तो उसको यहाँ से भी नुकसान है, वहाँ से भी नुकसान पड़ेगा। रेटों में 3-4 रुपए का फर्क आया, जो कि बनते हैं 2-2.5 हजार रुपए पर पैनल पे बनते हैं, अगर 10 पैनल में लगा दो तो 25 हजार रुपए का फर्क पड़ता है, 25 हजार रुपए यहाँ सोच रहा है कि कम हो जाए बाद में, और तो उसका बिल 25 हजार जो है वो कम हो सकता है अगर वो इंस्टॉल कर ले भी सिस्टम। बात अगर आप यहाँ से पकड़ो वहां से पकड़ो थोड़ा सा लॉजिकल सोचेंगे लोग तो उनको समझ में आएगा कि यार हमारा प्रॉफिट किस तरफ से आ रहा है। अच्छा। हाँ अलबत्त अगर होता 10-15 रुपए का फर्क तो मैं कहता कि यार अभी आप होल्ड कर लो, लेकिन अभी तो कोई होल्ड करने की जरूरत नहीं, आप लगाओ इजीली, क्योंकि आवाम तो अभी कह रही है कि भाई बायकॉट करो क्योंकि अभी हमें नहीं खरीदना है। आवाम बायकॉट करने के लिए मेरे हिसाब से बायकॉट कराना जाए, इस प्राइस में बायकॉट समझ में नहीं आता, बिल्कुल अभी होलसेल प्राइस है, क्योंकि देखिए माल आता है 3-4 जगह से आता है, इन्वेस्टमेंट में आता है, तो लोग थोड़ा बहुत तो कमाएंगे ना, बिल्कुल प्रॉफिट के लिए बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो कमाएंगे। अभी लोगों ने ये कहा था कि अभी जब मुसलसल फरवरी तक तो चांसेस थे कि मुसलसल रेट नीचे जाएंगे, नहीं 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 अभी कोई चांसेस नहीं है, अलबत्ता हो सकता है कि शायद ऊपर चले जाएं फरवरी में भी, क्योंकि अभी तो डॉलर तो स्टेबल है, उसकी वैल्यू भी इतनी ज्यादा नहीं हुई, नीचे ऊपर नीचे नहीं हो रही, स्टेबल है। बहुत सारी चीजें काउंट होती है इसके अंदर, ऐसा नहीं है कि खाली डॉलर इस पर अफेक्ट करता है, कस्टम शूज इस पर अफेक्ट करते हैं, चाइना का बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर, ये चाइना की, क्योंकि मेन जो मैन्युफैक्चरर है चाइना ही है, तो चाइना के प्रोडक्शन के ऊपर भी फर्क आता है कि चाइना क्या रेट दे रहा है, चाइना अवेलेबल है नहीं है, कि चाइना की जो है वो फरवरी में, जैसे आपको बताया मैंने पहले भी, हॉलीडेज आते हैं, एयर हॉलीडेज आते हैं पूरे मंथ की, जिसमें पूरा चाइना क्लोज होता है, तो उनकी कोई प्रोडक्शन कोई ऑर्डर नहीं लेते, वो कोई डिलीवरीज नहीं होती,
तो फिर वो होती है फरवरी के बाद, तो आप देखें कितना बड़ा गैप आ जाएगा फरवरी के बाद, वो ऑर्डर लेते हैं या रिलीज करते हैं तो 40 दिन और 50 दिन का गैप आगे आएगा जी। मार्च भी आपके पास माल नहीं होगा, मार्च भी माल की शॉर्टेज होगी और डिमांड आपकी वहीं खड़ी होगी। और मेन सीजन ही यही है कि यार लोगों को बिल तकलीफ जो देता है वो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई इन महीनों में देता है, डिमांड आपके पास खड़ी है, सप्लाई की शॉर्टेज है जिसकी वजह से रेट अप हो रहे हैं। तो अभी अगर लगा लेगा जिसको, जो वाइज आदमी होगा जिसका दिमाग जो है चलता होगा लॉजिकली, तो फिर वो अभी लगाएगा अपना सिस्टम, क्योंकि उसको भी फायदा होगा। क्योंकि देखिए अगर आप ऑनग्रिड भी लगाते हो तो 3 महीने का प्रोसेस है ऑनग्रिड में जी। तो अब आप आज फैसला लोगे तो 3 महीने बाद वो मीटर आएगा और फिर उसकी वर्किंग स्टार्ट होगी। तो आप यानी कि जून जुलाई में अप्रैल में अपना जो पीक सीजन है ना, जिसमें आपके रेट अपर जाते हैं, लोगों को एसी वगैरह यूजेज ज्यादा होती है वगैरह की और चीजों की, तो फिर उसमें जो है वो लोग अपना बिल कवर कर लेंगे। और आप अगर लेट करते हो तो फिर ये कि यार आपके 3 महीने मजीद आकर बढ़ा लो। अगर आप आज लगाते मार्च में लगाते हो तो मार्च अप्रैल मई जून ये चला जाएगा, जुलाई में आपका मीटर लगेगा, फिर आपको अगस्त से आपकी वो पता चलेगी कि यार आप क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं आपका और क्या आपने बचाया। वो तो फिर मेरे हिसाब से बात है नहीं कि यार आप लॉजिकल बात करो तो अभी अगर आप लगाते हो तो आपको भी फायदा है। चलो देखो ये बताइए कि अभी जो माल मार्केट में कोई शॉर्ट है या नहीं, माल आ रहा है? देखिए मार्केट में माल अभी शॉर्ट है जी, माल शॉर्ट। तो अभी कस्टमर अभी कम आ रहे हैं या जैसे रेगुलर आ रहे हैं? कस्टमर तो वही रेगुलर आ रहे हैं, मार्केट के रेट जो है वो थोड़े से अप हुए हैं अभी। अप हुए हैं। डिमांड अभी किस पैनल की ज्यादा आ रही है? सब पैनल से ज्यादा है, ज्यादा आ रही है। अच्छा लोग कहते हैं कि जिनको एन टाइप और पी टाइप ये दो पैनल जो है, अगर हम एन टाइप पे ना जाए, एन टाइप थोड़ा सा रेट हाई होते हैं, तो पी टाइप लगवाए तो क्या कुछ खास फर्क आता है? बड़े सिस्टम्स में तो इतना खास बहुत फर्क आता है, छोटे सिस्टम में इतना खास फर्क नहीं आता था, जिसके 3-4 पैनल है 6 पैनल है उस पर इतना खास फर्क नहीं है। अच्छा, बट ये कि लगाने एन टाइप ही चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यार आगे जाके जब पहले आप नोटों का 2 साल पहले वो आता था 450 वाट आता था पी टाइप, वो डिसकंटिन्यू हुआ, फिर 500 आया वो डिसकंटिन्यू हुआ, तो इसी तरह पी टाइप भी एक टाइम पे डिसकंटिन्यू होगा, फिर एन टाइप की सीरीज मजीद आगे जाएगी, फिर उसके बाद अलग आगे कुछ आता है तो आता है। ठीक है, तो अभी जो लेटेस्ट है वो यूज करें तो ज्यादा बेहतर है। अभी उदयपा ये बताइए कि लोग अमूमन हमसे सवाल पूछते हैं, कमेंट्स करते हैं कि अगर एन टाइप और पी टाइप पे ना जाए या हाइमोसिस ना लगाए, तो इसके मुकाबले में दूसरे पैनल भी TR1 ए ग्रेड के होते हैं जिसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है। इसके अलावा जे है वो दोनों आप लगा सकते हो, कैनेडियन है आप लगा सकते हो, फिर जिनको है लोंजी, ये 5-6 पैनल है जो अभी जो TR1 के टैक्स के हवाले से ये है कि अभी जैसे इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान में और अभी नई गवर्नमेंट आएगी, हो सकता है उनकी पॉलिसी चेंज हो जाए और टैक्स भी लग सकता है, तो अगर टैक्स लगता है तो ज़ेफ़ा सिचुएशन अलग होगी? ये हो सकता है नहीं हो सकता है कुछ कह नहीं सकते, इसके ऊपर कंफर्म नहीं है कुछ चीज़। सही, अलबत्त ये कि अगर टैक्स लगेगा तो उसकी प्राइस हाई हो जाएगी डायरेक्ट, अब करेगी, तो इस वजह से कि अभी लगा लो ज़्यादा बेहतर है मेरे साथ। ठीक है, अच्छा उदयपा अभी आप पास करंट कौन कौन से पैनल मौजूद हैं? अभी मेरे पास राइजन पड़ा हुआ है, जिनको पड़ा हुआ है, एनजी पड़ा हुआ है, कैनेडियन पड़ा हुआ है, जिनको में 2 वेरियंट आते हैं, पी टाइप एन टाइप दोनों पड़े हैं, सब आपको अवेलेबल होगा, मिल जाएंगे। उदयपा इन्वर्टर कौन कौन से मौजूद है आपके पास? इन्वर्टर देखिए अभी हमारे पास क्राउन की चीज आ रही है, 1-2 दिन के अंदर आएगी इंशाल्लाह, वो आपको मिल जाएगी। बाकी हमारे पास अभी हाजिर में NS 3.6 पड़े हैं, 6 kW में इनवेरेक्स का माल पड़ा हुआ है, रोवाट है ऑन ग्रिड के अंदर आप चाहें तो, नाइट्रोक्स से 6 kW इसलिए ये तकरीबन अभी चल रहा है 3,85,000 3,90,000 रुपए तक का। अच्छा जी, ये कर सकते हो नाइट्रोक्स की जगह आप 16 लगा सकते हो, 3,14,000 रुपए का, सेम है क्वालिटी है और वारंटी भी सेम है, तो आप इसके अंदर आपको ऑल्टरनेटिव मिलते हैं तो आप ऑल्टरनेटिव यूज करो, वो भी बहुत अच्छा है। 16 हो गया, ग्रोवाट का 6 kW हो गया ये, और नेट्रोस IP60 का जो है, ये तीनों 6 kW के सेम ही इन्वर्टर है, सेम एफिशिएंसी है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इनकी तीनों की अच्छी। और ए TR1 ए ग्रेड के कोई पैनल का नुकसान नहीं है, नुकसान तो किसी पैनल पे नहीं है, एफिशिएंसी सबकी सेम होती है। हाँ 19-20 का थोड़ा बहुत फर्क कह सकते हैं, फर्क आएगा, बाकी इतना कोई खास फर्क नहीं आता। ठीक है, आप कहो अगर प्रायोरिटाइज करो चीजों को, तो अगर नंबर वाइज प्रायोरिटाइज करते हो तो हम इसको ऐसा करते हैं कि जिनको लोंजी जे कैनेडियन राइजन, तो इस तरह से प्रायोरिटाइज होता है, कोई भी इसमें से स्टॉक का या बी ग्रेड का माल नहीं है। जी जी, सही, यूज हुआ माल नहीं होता हमारे पास, ये सारे एक एक क्वालिटीज के हैं, सब में आपको एफिशिएंसी मिलेगी, सब में आपको प्रोडक्शन अच्छी मिलेगी। हाँ आप अलबत्ता ये कह सकते हो कि यार इसमें
अच्छी फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, तो इस तरह कह सकते हैं। बाकी कोई फायदा वो नुकसान नहीं है इसमें। उदयफा ये बताइए कि अभी डिमांड और सप्लाई में कितना फर्क आ रहा है? तकरीबन अच्छा खासा फर्क है, फर्क आ गया बहुत ज्यादा है, और सप्लाई उसके मुकाबले में 70% आ गई है। दो हफ्ते के बाद, एक हफ्ते के बाद थोड़े से रेट नीचे आए, फिर उसके बाद वापस अप हो जाएंगे। ऐसा कैसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कोई, आपको कंफर्म नहीं कह सकता कि यार ऐसा होगा, मगर हमारा जहाँ तक देखने का नजरिया है जी जी, कि यार किस तरह से वर्किंग कर रही है मार्केट, तो हाँ कह सकते हैं कि 20-25 के अंदर जो है मार्केट माल के रेट नीचे आएंगे, उसके बाद जो है वापस अप करेगा, ऊपर जाएंगे। ठीक है, बहुत से व्यूअर्स कहते हैं कि हमें बहुत से दुकानदार कंप्लीट डॉक्यूमेंट देते हैं, इसमें कंप्लीट डॉक्यूमेंट क्या क्या आता है? सीओसी और पीएसआई मिल जाए आपको, और ये चीजें दो चीजें आपको मिल जाए तो आपके लिए बहुत है ये, सही ना। बाकी लोग काफी बोलते हैं कि यार परफॉर्मेंस इनवॉइस दिखाओ, तो परफॉर्मेंस तो एथिकली भी मांगना गलत है जी, क्योंकि उसके अंदर आपकी चाइना की प्राइस वगैरह सब चीजें लिखी हुई होती, तो हम भी एथिकली कंपनी से बड़ी कंपनी से मांगते नहीं, और हम अपनी भी नहीं शो कर सकते। ठीक है, तो आपको ये जो दो तीन जरूरत के डॉक्यूमेंट्स होते हैं पीएसआई और सीओसी, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो बताइए हमारे व्यूअर्स को ये कौन सा पैनल है? ये राइजन का पैनल है, 550 वाट है, ए ग्रेड टियर वन का है, और ये अभी 50 रुपए पर वाट चल रहा है, 12 ईयर वारंटी के साथ है, ए ग्रेड क्वालिटी है ये, ए ग्रेड डॉक्यूमेंटेड माल ही होता है, नॉन डॉक्यूमेंटेड माल में काम ही नहीं करते। जिनको पी टाइप है ये भी 10 से 12 साल की वारंटी के साथ है, और अभी ये चल रहा है तकरीबन 53.50 रुपए पर वॉट पे। क्या वॉट है, पर वॉट क्या है इसका? 53 रुपए, 53.5 रुपीज पर वॉट। कितने वॉट का पैनल है? 550 डिफरेंट आते हैं, 550 भी आता है, 555 भी आता है, 545 भी आता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। पर वॉट के हिसाब से आपके प्राइस होते हैं, सेम पर वॉट होंगे तो प्राइस आपकी जो है वो अप डाउन होती रहेगी छोटी मोटी। ठीक है, इसके बाद आप आ जाएंगे, कैनेडियन का है, बायोफिशियल एंड टाइप टॉपकॉन है, सही है, ये अभी चल रहा है तकरीबन 55.5 रुपीज पर वॉट, 55 रुपए 50 पैसे पर वॉट। अच्छा जी, ये भी 12 से 13 साल वारंटी के साथ है, ए ग्रेड टीयर वन का पैनल है, बहुत अच्छी एफिशिएंसी के साथ पैनल है। इसके बाद देन आप आ जाए तो ये जिनको का आपके पास मिल जाता है, जिनको का एन टाइप है, 575 वॉट है, ये भी आपको पड़ेगा 56.50 रुपए पर, 56.50 रुपए 12 से 13 साल वारंटी के साथ है, एन टाइप है, और ए ग्रेड टीयर वन के अंदर इसका शुमार होता है। ठीक है, बाकी हाइमोसिक्स हमारे पास आपको मिलेगा, हाइमोसिक्स 585 वॉट है, वो आपको मिल जाएगा अभी तकरीबन 55 रुपए पर वॉट में, और हाइमो 5 अभी है नहीं, हम पर भी इंशाल्लाह अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अभी सेम जिनको एन टाइप ही है। अच्छा, जिनको एन टाइप है 575 वॉट में, 575 वॉट में जिनको एन टाइप ही है। ठीक है, ये वाला उधर का कौन सा? जिनको एन टाइप 575 है, सब अभी सब वो हो रहे हैं, डिलीवर हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, सारे डिलीवरी के पैनल है, अभी सारे बाहर से भी डिलीवर हो जाएंगे। ठीक है, अब इन्वर्टर पे आप आ जाए तो इन्वर्टर देखिए, अब यहाँ पड़े हुए 20, 15, 25 ये ऑन ग्रिड सारे हैं जी, इसके अंदर ऑन ग्रिड है ये, 10 से लेकर हमारे पास 30 से 50 किलोवाट तक हमारे पास वैरायटी अवेलेबल होती है इसके अंदर। 2 वाट का है, 5 साल वारंटी के साथ है, ए ग्रेड का क्वालिटी वाला है। 10 किलोवाट का इसका प्राइस होती है वो अभी जो चली है 2,55,000 रुपीज चल रही है, 15 किलोवाट की 3 लाख रुपए चल रही है, और फिर इसके अंदर 20 किलोवाट है वो आपको पड़ेगा तकरीबन 4 लाख रुपए का, और उससे ऊपर जाते हैं 25 किलोवाट पे तो अभी चल रहा है तकरीबन कुछ 4,30,000 4,35,000 रुपए का। सही, मजीद आप कुछ चीज इंक्वायरी हो तो मुझे फोन वो कर सकते हैं। बाकी अब आ जाए इनवेरिक्स का पड़ा हुआ, ये इनवेरिक्स वेरॉन 1.2 है, ये अवेलेबल है अभी, सही है, ये अभी जो आपको पड़ेगा तकरीबन 70,000 रुपीज का भी पड़ेगा, मगर प्राइस मैं आपको बताता चलूं कि प्राइस डेली के हैं इधर, ऐसा ना हो कि कोई मुझे बोले कि यार आपने तो वीडियो में ऐसा, तो प्राइस डेली के होते हैं। ये भी 70,000 रुपीज का चल रहा है, इसके नीचे आ जाए तो एनएस का पड़ा हुआ है 3.6 किलोवाट, ये पड़ रहा है अभी 1,22,000 रुपए का। फिर इसके साथ नीचे आ जाए, ये भी तकरीबन, इसकी भी तकरीबन अभी वारंटी चल रही है 1 साल, इसकी भी वारंटी 1 साल है पार्ट्स की, और ये आ जाए 6 किलोवाट वेरॉन है इनवेरिक्स का, इसकी वारंटी 2 साल है और पार्ट्स की, और 3 साल इसकी अपनी उसकी है सर्विस की है। ठीक है, ये जो चल रहा है अभी 2,50,000 रुपए का चल रहा है, 2,50,000। बाकी क्राउन की मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे पूरी एक सीरीज आ रही है अभी, 3 किलोवाट है, 5.6 है जी, और 6 किलोवाट इलीगो है, क्राउन नोवा है, तो ये सब चीजें आ रही है, तो वो जो है ऑन प्रोसेस है, इंशाल्लाह एक दो दिन में आ जाएंगे। ठीक है, बाकी ये आपको क्राउन का दिखा दें, 3 किलोवाट है क्राउन का, ये सबसे बेस्ट इन्वर्टर अभी चल रहा है, लीज प्राइस के अंदर है, ये तकरीबन 85,000 रुपीज कॉस्ट करता है, ये मिल जाएगा आपको, ये 4 ईयर वारंटी के साथ भी, इसके अंदर 1 साल पार्ट्स की वारंटी है और 3 साल जो है सर्विस की वारंटी है। काफी डिमांड आ रही है इसकी तो आज जी, ये काफी भी इन है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी चीज है और लगाने में भी बहुत सिंपल है। इस पे कितना लोड डाल सकते हैं, क्या क्या चला सकते हैं? आप 2.5 किलोवाट का लोड डालें, 3 किलोवाट के पैनल डालें, आपके लिए बहुत इनफ होगा इसके। अच्छा
इस तरह से चलेगी। अगर आप लोड से कम डालें, जो आउटपुट लोड है उससे थोड़ा सा कम लोड डालें तो आपके लिए बेस्ट रहता है, लाइफ बढ़ती इन्वर्टर की थोड़ी सी। ठीक है, शॉप की लोकेशन बता दीजिए और अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दें। शॉप बेसिकली कराची के अंदर सदर कोऑपरेटिव मार्केट की वेबसाइट तीसरी गली है, सरमद रोड, वहाँ अलमावा होटल के बिल्कुल नीचे, जिलानी सोलर के नाम से है, और नंबर है 0336-3287-154। बहुत शुक्रिया उदयफा, आपने टाइम निकाला हमारे व्यूअर्स को ये लेटेस्ट अपडेट शेयर की। थैंक यू, थैंक यू, जजाकल्ला।